नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और मुजफ्फरपुर से मैं हूं संदीप। मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर चौक पर हम मौजूद हैं और जानते हैं कि जो 26 दल जिसके अगुवा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकर जिन्होंने एक दल बनाया है जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है, उसे लेकर मुजफ्फरपुर के लोगों का क्या कुछ है कहना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 दलों को जोड़कर इंडिया बनाया है, क्या लगता है? अब 26 दल बना ले या 36 दल बना ले, उसमें तो जितने भी जमावड़ा है सब तो भ्रष्टाचारी लोगों का जमावड़ा है। अब ये नाम कोई चेंज कर दे लेकिन चेहरा तो सब वही है। किसी को अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, किसी को स्वयं को मुख्यमंत्री बनाना है। अब आप देखिए ना कि भारत के में ये पहला ये कलंकित करने वाली घटना है कि जिस राज्य में उप मुख्यमंत्री जो है वो चार सीटेड है और वो ऑलरेडी वो सीट पर बैठा हुआ है, उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, तो ये तो कैसी विडंबना है। यहाँ के मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि भाई ये चार सीटेड व्यक्ति है और ये उप मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे हुए हैं। इंडिया नाम रख देने से क्या लगता है कि वो एनडीए का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जिस व्यक्ति का नाम है ये गॉड गिफ्टेड व्यक्ति है और नरेंद्र मोदी के ऊपर में 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है, उनके लिए लोग दुआ करता है उनकी लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि पहला बहुत दिनों के बाद इस देश को 2014 में प्रधानमंत्री मिला, जो प्रधानमंत्री न केवल जो बोलता है वो करता है बल्कि प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर दहाड़ता भी है। इसके पूर्व में आप याद कीजिए जो प्रधानमंत्री यहाँ हुआ करते थे वो न हिलते थे न डुलते थे, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह रहते थे वो। तो वैसा प्रधानमंत्री से देश ही न चलेगा। पहले आपको याद होगा कि बगल पड़ोसी देश के लोग आँख तरेड़ता था तो ये लोग घर में दुबक जाते थे, छिप जाते थे। अभी जो आँख तरेड़ता है तो उसके आँख में आँख डालकर भारत के प्रधानमंत्री जो वो बात करता है, तो देश में सुकून से चल रहा है। ना बदलने से कोई भी चेहरा भी चेहरा सब वही है। जितने भ्रष्टाचारी है देखिए आप उठा करके, जितने भी दल उसमें जुड़े हैं सब भ्रष्टाचारी है। सब को अपने अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जो भी लोग के ऊपर में कोई केस है, कोई अपना केस को बचाने के लिए है, क्योंकि समूह में रहेंगे तो लड़ाई लड़ने में बनेगा, लेकिन समूह में भ्रष्टाचारी को रहने से सरकार के ऊपर में कोई दबाव नहीं पड़ने वाली है। कानून अपना काम करता है और कानून अपना काम कर रहा है। अभी आपको दिल्ली के जो सरकार है आप देखिए ना, दिल्ली के सरकार के दो दो मंत्री जेल में बंद है। तो ये भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ है लोग है, ये सबसे भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और प्रचंड बहुमत से 2024 में सरकार बनेगी। इन लोगों को आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये लोग मुंह के खाएंगे। ये लोग इंडिया नाम रख देने से लगता है आपको कि कहीं ना कहीं देश की भी बदनामी नहीं है? ऐसा बदनामी हो सकती है कि इंडिया नाम रखने से भ्रष्टाचारियों का सरकार है ये, और इसमें है कि पूरा एकदम भ्रष्ट नहीं है। इसमें जितना भी आप देख रहे हैं कि वो सब साथ एक साथ हो गया, एकजुट हो गया है, उससे वो कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया ही नाम क्यों रखा है? लगता है आपको कि कहीं ना कहीं भारत का नाम खराब करने के लिए रखा है उन लोगों ने? देखिए, अगर आप गीदर को शेर का खाल पहना देंगे तो वो शेर तो नहीं हो जाएगा, रहेगा तो गीदर ही। वही हुआ है, नाम आप कुछ भी रख लीजिए उससे क्या हो जाएगा। पर लगता है कि उससे देश की बदनामी हो रही है, ये लगता है आपको? हाँ, बदनामी तो हो ही रही है, इसलिए कि सारे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। इससे कोई कुछ होने जाना नहीं है और 2024 का इलेक्शन आपको बताएगा, 300 प्लस आना है एनडीए को। तो जैसा कि आपने सुना कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ होने वाला नहीं है, हमारे साथ अब वरिष्ठ संवाददाता विवेक त्रिवेदी भी हैं, उनसे जानते हैं कि इंडिया नाम रख लेने से उन्हें अब खबर लिखने में क्या कुछ दिक्कत होगी। नाम रखा है तो उसको लेके क्या? कोई भी गठबंधन या संगठन अपने गठबंधन का अपनी इच्छा अनुसार नाम रखने के लिए स्वतंत्र है। उसका कितना इंडिया नाम रखने का कितना उनको लाभ मिलेगा न मिलेगा तो ये तो बाद की बात है, लेकिन हाँ, इंडिया शब्द को लेकर के बहुत तरह की विसंगतियाँ पैदा होंगी, बहुत तरह का कंफ्यूजन होगा। अब उससे देखते हैं कि वो लोग कैसे निवट पाते हैं। कुछ परेशानी तो होगी इंडिया शब्द को लेकर, लिखने का कितना असर पड़ेगा क्योंकि जब आप इसको लेकर लिखेंगे
जैसे चुनाव का रिजल्ट आता है तो क्या लिखेंगे इंडिया हार गए। हाँ यही सब हम कह रहे हैं कि नाम को लेकर के कई तरह की विसंगतियाँ पैदा होंगी, कन्फ्यूजन पैदा होगा, तो इस कन्फ्यूजन को वो लोग कैसे दूर कर पाएंगे। दूसरी बात है कि संगठन के जो घटक दल हैं, गठबंधन के घटक दल हैं, उनमें से आप उनके नेताओं से पूछेंगे तो ये पूरा इंडिया का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे, उसका मीनिंग वो नहीं जान रहे हैं। और सब लोगों को विश्वास में लेकर के ये नाम नहीं रखा गया है, जैसी सूचना आ रही है कि कुछ दलों के द्वारा इसको आपस में तय कर लिया गया, कांग्रेस के द्वारा और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। जहाँ तक सूचना आ रही है कि नीतीश कुमार को पहले ये जानकारी नहीं थी। देश का नाम या छवि कहीं ना कहीं इससे असर पड़ेगा? देश का नाम इतना आसान नहीं है कि हाँ इसे खराब हो जाए, छवि धूमिल हो जाए, यह कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषण है, बोलचाल की भाषा है, समाचार माध्यमों में या चुनावी मंचों पर भाषण के दौरान जो इस तरह का लिया जाएगा इंडिया को लेकर के, पक्ष और विपक्ष में कुछ बातें कही जाएंगी, तो इससे एक गलत मैसेज जाएगा। जैसे एक बार इंदिरा गांधी के समय में कहा गया था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, तो इस देश में लोकतंत्र है, अधिनायक तंत्र नहीं है, तो किसी एक व्यक्ति को भारत का पूरा पर्याय बना देना, उसकी काफ़ी आलोचना हुई थी और ये माना गया था कि ये उनकी तानाशाही दृष्टि है कांग्रेसियों की, तो एक बार फिर से ऐसे ही कोशिश लग रही है थोड़ा सा। ऐसे उनका ये आंतरिक मामला है, वो लोग जो रखें, लेकिन ऐसा नाम रखने को के कारण उनको की परेशानी कुछ बढ़ सकती है। तो जैसा कि हमने राजनीतिक विश्लेषक से, वरिष्ठ संवाददाता विवेश त्रिवेदी से सुना कि उन्हें खबर लिखने में इस इंडिया नाम के कारण दिक्कत तो होगी ही, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्ड पार्षद केपी पप्पू, उनसे भी जानते हैं कि इंडिया नाम रख लेने से क्या कुछ बदलेगा 2024 में। इंडिया कर देने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मानव जीवन में जो आया है उसको स्वार्थ के प्रति इतना लाचार हो चुका है कि उसको कुछ भी करके नाम अपना बढ़ाने के लिए जब देख लिया कि सियरा वही बा पुछिया रंगेले बा, तो ये लोग जितना शब्द जो चेहरा है ना, उस चेहरे का हर आदमी का एक एक जगह एक एक क्षेत्र में हर लोग उसके व्यक्तित्व को जान रहे हैं, इसलिए एक नया नाम दे करके लोगों को कन्फ्यूज करना चाह रहे हैं, इससे जनता कन्फ्यूज नहीं होगी। इंडिया नाम रखने से लग रहा है देश की भी बदनामी होगी पूरी तरह। ये अच्छे नाम का, जब आदमी मंदिर और मस्जिद में जब जाते हैं और वहाँ पे अश्लील बातें करते हैं, ये सौभाग्य और ये सोच बहुत गलत है। ये सोच बता रहा है कि आने वाला समय में लूटने का काम करने के लिए ये कुछ भी करना चाहते हैं जनता के सामने। मान लीजिए जैसे रिजल्ट आएगा, ये लोग पत्रकार हैं तो उन लोग क्या कहेंगे, इंडिया हार गया? कहने की जरूरत नहीं है, ये नाम रहेगा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है इस पर आगे कोर्ट से भी इसका आदेश आने होने वाला, इसका रीड होना चालू हो गया, आपको भविष्य में देखिएगा इंडिया नाम नहीं रख सकता है वो। तो जैसा कि हमने हर वर्ग के लोगों से बात की और जाना उनसे कि इंडिया नाम रख लेने से क्या कुछ 2024 में बदलेगा, मुजफ्फरपुर के लोगों की राय हम लोगों ने आपके सामने रखी। मुजफ्फरपुर से नबार्ड टाइम्स ऑनलाइन के लिए मैं संदीप कुमार।